सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया, लोगों में खूब उत्साह है। मैंने खुद देखा है दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं, वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। आपको याद हो जब पहली लहर आई थी हमारे देश में पीपी किट की कितनी किल्लत थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए। सोचो अगर उस टाइम केवल 2 कंपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कई भारतीय कंपनियां पीपी किट बना रही हैं। इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं है। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली कोरोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे। मेरा केवल एक ही मकसद है कि किस तरह हम सब मिलकर हर भारतीय को कोरोना से बचा पाएं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।